1993 में दर्ज बहुचर्चित सांसद रिश्वत कांड में दिल्ली सीबीआई कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार करने के फैसले पर पूर्व सांसद सूरज मंडल ने संतोष जताया। देवघर में सूरज मंडल ने कहा कि एक राजनीतिक साजिश के तहत जेएमएम के तत्कालीन सांसदों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि करीब 27 साल तक चले विवाद से उनकी छवि प्रभावित हुई और वे उन्हें फंसाने वालों के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि का केस करने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं। पार्टी का रसीद छपाया है, तो छपाया बोलता उसको आप लोग जालसाज किए, तो उसके बीच में हम लोग कहीं नहीं है। कैशियर करता है, खेत खाए गधा और मार खाए जोला, तो कैशियर के ऊपर उस पर जिम्मेवारी है, तो पार्टी का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से इसमें बीच में आ गया। इसलिए हम लोग पर केस किया है, तो उसको हम लोग वकील से सलाह मशविरा लेकर के मानहानि का 100 करोड़ का मुकदमा हम लोग दायर। खुश तो हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, हमारा तो राजनीतिक जिंदगी लुट गया, तो अब हम लोग जो है उसका हर्जाना उसको देना पड़ेगा। हम लोग को जो जनता के बीच में हमारी छवि बर्बाद किया है।